रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ और 11 लाख का कलेक्शन कर लिया था। पहले ही वीकेंड पर इसने इतनी शानदार कमाई, वहीं पहले दिन इसने 20 करोड़ की कमाई के साथ सबको चौंकाया। दूसरे दिन 23 करोड़ और उसके बाद 34 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक चौथे दिन फिल्म ने 100 करोड़ एंट्री ले ली है। ट्रेड एनालिस्ट अनंत आदर्श के मुताबिक कमाई के आंकड़े शेयर किए। फिल्म का बजट 80 करोड़ था। वहीं फिल्म भारत के अलावा विदेश में भी अच्छी कमाई कर रही है। तो पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट के अंदर कुल मिलाकर 35 करोड़ के पार का बिजनेस कर लिया है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने सिम्बा के जरिए अपनी फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़े। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस मसाला फिल्म के अंदर रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत 19 करोड़ और गुंडे 16 करोड़, गोलियों की रासलीला रामलीला के अंदर भी 16 करोड़, बाजीराव मस्तानी 12 करोड़ का फर्स्ट डे कलेक्शन का खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट सारा अली खान है। इसके अलावा सोनू सूद है जो कि लीड विलन के रोल के अंदर नजर आ रहे हैं। सारा अली खान की दूसरी फिल्म है। इससे पहले वह अभिषेक कपूर के साथ निर्देशन में बनी केदारनाथ कर चुकी हैं जो कि इसी महीने रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर आपने सिम्बा देखी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सिम्बा कैसी लगी है। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े हमारे साथ क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।